दोस्तों यहाँ पे अपने भाई लोग मिल चुके हैं। बताओ भाई लोग कहाँ से आए हो? हर जगह पे आपको लोग दिख रहे हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा यहाँ पे, 100 से भी ज्यादा कार आए हैं और 1000 से भी ज्यादा बाइक आए हैं और 10,000 से भी लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज रोहित झुड़े एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल विदर्भ ब्लॉग। तो दोस्तों आज जा रहे थे, मतलब मेरा सुबह का प्लान था कि अपने मुक्ताई वाटरफॉल जाऊँ करके, पर वो मुक्ताई वाटरफॉल जो ऐसा लगा था, पर वहाँ पे वाटरफॉल चालू होने का है ऐसा, तो इसलिए मुझे अच्छा हुआ, मतलब मैं दिगोरी तक गया था, पर मेरे को एक कॉल आया कि भैया बोले अभी तक वाटरफॉल चालू होने का है करके, तभी मैंने प्लान चेंज किया। मतलब 2 बजे वहाँ पे था मैं, तब से फिर मैंने दोस्त को कॉल किया झील पे जाना है करके, तो मेरा दोस्त भी आया है जो कि आप पंचनते होंगे, पर आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं एंड में बताऊंगा क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे उसके फॉलोअर वगैरह है। तो अभी मैं मतलब स्टार्टिंग से नागपुर से ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं, पर आधे में आया तब से ब्लॉग करता हूँ बोला स्टार्ट, क्योंकि यहाँ का प्यारा व्यू है और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यार। आओ कभी झील पे, आपको दिखाते हैं आगे क्या है। तो फिर भी चलो दोस्तों, आप देख सकते हो आज संडे है, संडे के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अपने गाड़ी लगाना है पार्किंग पे और अंदर जाना है यार। देखते हैं अभी कहाँ पे पार्किंग है, तो जगह तो दिख रही नहीं, आगे जाके लगा लेंगे थोड़ा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे पार्किंग लगाई है, यहाँ पे पहला वाटरफॉल है करके बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो अंदर से आ रहे हैं, तो अपन भी अंदर जा रहे हैं अभी, देखते हैं कि वहाँ पे पानी फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा, वो भी देखते हैं यार, वो भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों देख सकते हो काफ़ी खुफिया जंगल है और इस जंगल से हम जा रहे हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोग वापस जाते दिखे, पर अभी तो कोई जाते समय भी नहीं दिख रहा है और आते समय भी नहीं दिख रहा, हम दोनों ही आ रहे करके, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं जंगल में तो घुस गए ऐसा लग रहा है, पर जंगल ही है बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ज़्यादा बड़ा फ्लो नहीं आया है, पर छोटा सा फ्लो है और मतलब चल रहा है, वहाँ पर बारिश आ रही है तो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। आज संडे है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं और आगे दूर दूर देख सकते हो छोटा सा धरना चालू है और यहाँ पे अपने भाई भी मिल गए। क्या नाम है भाई आपका? हर्षल। हर्षल भाई है जो कि बारिश का मतलब पानी का मज़ा ले रहे हैं और फोटो शूट भी कर रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं और मतलब आप भी कंटिन्यू रहे हो, आपको बहुत सारे लोग दिखाऊंगा मैं। अपन यहाँ पे अपन लोग देखने के लिए नहीं आए, पानी देखने के लिए आए, तो पानी भी दिखाएंगे लोग भी दिखाएंगे, दोनों काम करेंगे यार। वीडियो काढून देखा वाटलं पाहिजे ना, ट्रॅकिंग करतो म्हणून। हां मी कुणाल झामरे असं वरतून का नाही आली बारिश ती क्या वाईट दूर आहे। दोस्तों अभी ये छोटा वाला वाटरफॉल की तरफ गए थे, अभी दोस्त बोल रहा है कि उधर भी एक बड़ा वाटरफॉल है, तो मे भी वहाँ पे बारिश आई है, पानी आ रहा, फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा, वो भी पता करना पड़ेगा अपने को। और अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसके साथ मिलाऊंगा कौन है करके, तो इसका नाम है यश और इसकी भी एक आईडी है, आईडी पर तो दे रहा हमारे सब्सक्राइबर को मेंशन कर देना डिस्क्रिप्शन में, वो ऐसा कर लूँगा, यहाँ पे आपको दिखेंगे उनकी मेंशन, मतलब आईडी दिख जाएंगी, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और सभी लोग जो अपने कॉन्टैक्ट में है दोस्तों, तो अपन भी मतलब सभी जगह दिखते रहेंगे आपको आगे से। चलो अभी दूसरे वाटरफॉल के तरफ जाएंगे और दिखाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ से निकल चुके हैं और पैदल पैदल गए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी और अभी इस तरफ जाएंगे, अभी थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है, ऊपर से बादल वगैरह आए हैं, मे बी बारिश भी आ सकती है, तो मैं तो पूरा रेडी हूँ गीला होने के लिए। आप मतलब आपको भी दिखाऊंगा कैसा रहता है, क्या रहता है बारिश में, तो और यहाँ पर पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा बारिश आने की चांस ज़्यादा रहती है। और आगे देख सकते हो, आपको दिखा तो आगे कैसा व्यू हो गया, मतलब ज़बरदस्त नज़ारा हो गया यार, बादल आ गए तो ऐसा लग रहा है कि बादल जब आते हैं ना, जब बादल आते हैं तो मतलब अलग ही हो जाता है यार मौसम, मौसम का मज़ा आ जाता है, और ठंडी हवा वगैरह आ जाती है, सब कुछ होता है। चलो अभी आगे जाते हैं, ज़्यादा लंबा ना करेंगे ब्लॉग को, अपन दूसरे वाटर पार्क में दूसरे वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं जो कि जो बड़ा है यहाँ का, वो फर्स्ट वाटरफॉल था, वहाँ पर छोटा वाटरफॉल है और यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर
भोले बाबा की, भोला क्या बोलेंगे उनको, भोले बाबा ही बोलते ना। हाँ, भोले बाबा की मंदिर है और मूर्ति वगैरह वाटरफॉल के नीचे, अभी आगे बताते हैं आपको। चलो सर, जा रहे पैदल पैदल और आगे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। भाई खर्रा फुर्सा दोस्तों, अभी देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग है, वही दिखा रहा हूँ, अभी आगे जाएंगे दिखाता हूँ। मैंने बोला तुम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक वाटरफॉल है जो कि फ्लो नहीं हो रहा, पर ठीक है आपको दिखा दूंगा, अपडेट दे दूंगा। बारिश के बाद आ जाएंगे नेक्स्ट संडे को, तो अपन यहाँ पे आएंगे और आपको एक्सप्लोर करेंगे पूरा। अभी आप देख सकते हो कितने खाड़ी से जाना पड़ रहा है अपने को यहाँ से यार। अरे गूगल पे नहीं है, गोप्रो भाई। यहाँ पे देख सकते हैं वाटरफॉल के पास अपन आ चुके हैं। और ये बात बारे में ये हवा के पानी यहाँ तक आता है, पता नहीं थे यार। ट्रैकिंग करना है तो यहाँ आपको झील पे आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग से भी डलो। हाँ, ये देखो दोस्तों ट्रैकिंग कर रहे हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करना है आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। अगर आपको वाटरफॉल देखना है आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। अगर आपको स्विमिंग करना है या नहाना है आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। इधर से एक बार। तो दोस्तों अभी ये दूसरा वाला वाटरफॉल जो है उसकी तरफ गए थे, तो वहाँ से अभी आए यहाँ पे, पूरा थक चुके हैं और पूरा पसीना पसीना हो चुका है। अभी जाएंगे अपन झिलपी, वहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर भी है, वो भी एक्सप्लोर करें, वहाँ वो भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे यार। चलो अभी चलते हैं वहाँ पे। आपको कुछ बोलना है भाई? बस आप भी आओ यहाँ पर, बहुत बहुत प्यारा फील आता है यहाँ पर। और आप कपल्स के साथ आ सकते हैं, फैमिली कपल्स यानी आप आपके जो भी रहे दोस्त, हाँ दोस्त फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्यारा है। अभी ये वाटरफॉल देखे होंगे आपने, ये अभी पानी बारिश नहीं आई है ज़्यादा, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा क्या है ही नहीं। बट आप चार पांच बारिश के बाद आ जाओ यहाँ पर, बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा लगेगा कहीं बादलों में चले गए हो ऐसा लगता है यहाँ पर अपने। हाँ, और नागपुर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर है दोस्तों। बाकी के वाटरफॉल अपन देखे होंगे 70 किलोमीटर के अबो है, तो मतलब वो 2 घंटा जाने के लगता है, 2 घंटा आने के लगता है, पर यहाँ पे आप आधा घंटे में आ सकते हो और यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, आप पूरा संडे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 वाटरफॉल है, एक गणेश मंदिर भी है और एक तालाब भी है मेरे ख्याल से। तो अभी उधर जा रहे हैं अपन, और यहाँ पर आओगे तो कैसे कहीं और जाओगे तो सिर्फ एक ही वाटरफॉल दिखेगा, यहाँ पर आओगे तो एक छोटा वाटरफॉल पहले मिलेगा आपको, झिलपी लेक। झिलपी लेक में वहाँ पर बड़ा सा तालाब है और वहाँ पर जंगल वगैरह घूमने के लिए भी अच्छा है, फोटोशूट कर सकते हैं वहाँ पर। और उसके आगे आओगे तो छोटा वाटरफॉल मिलेगा वहाँ पर, वहाँ पर उसके आगे आओगे तो फिर ये बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ पर भोले बाबा जी का मंदिर वगैरह, पूजा वगैरह भी कर सकते हो वहाँ पर। और बहुत फन है, फन के लिए बहुत अच्छी जगह है और संडे प्लान के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो चलो दोस्तों ज़्यादा व्लॉग बड़ा नहीं करेंगे और कम टाइम में आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाना है यार, नहीं तो बड़ा होंगे तो आप मेरे को पता है स्किप करोगे करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए करके अपन जल्दी से जाएंगे वहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे। चलो अपन मंदिर की तरफ पहुंच चुके हैं, उसके पहले अपने को एक डैम गिरता है तो बोला आपको डैम दिखा दूंगा सबसे पहले, और डैम की तरफ ही जा रहे हैं अपन अभी। और डैम के पहले जाते समय आपको छोटा सा गेट देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी दुकान भी देखने को मिलेंगे, मतलब आपको नाश्ता पानी करना है जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो। और यहाँ से यार जो प्यारा नज़ारा दिखता है ना यार, उससे पूरा दिल खुश हो जाता है यार सच में। आप देख सकते हो तालाब है, तालाब मतलब पानी पूरा नहीं भरा है, तो लोग मतलब तालाब का भी आनंद ले सकते हैं, पैर वगैरह गीले कर सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको मंदिर देखने को मिलेगा और मंदिर के पास इतने सारे गाड़ियाँ दिख रही हैं यार कि ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब यहाँ पे लग रहा है कि केदारनाथ बन गया ऐसा लग रहा है, पर केदारनाथ तो नहीं बन सकता है, पर बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हर जगह पे आपको लोग दिख रहे हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे, 100 से भी ज़्यादा कार आए हैं और 1000 से भी ज़्यादा बाइक आए हैं और 10,000 से भी लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसा बोल सकते हो यार। क्या बताओ, अभी आगे चलेंगे आपको दिखा, गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। अच्छा
चलो पानी भरने का है, अभी थोड़ा फोटो अगर निकाल लिया थंबनेल के लिए, और अभी अपन आगे जा रहे हैं अभी, और बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे, कुछ लोग वापस जा रहे हैं, तो मतलब क्राउड जो है वो भी अभी भी मेंटेन है पूरा यहाँ पे, क्योंकि मतलब अभी लगभग 5 बज चुके हैं, अभी घर जाने का टाइम आ चुका है, फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब 6 बजे तक भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको ऐसा लग सकता है मुझे तो अभी। चलो अरे रुको 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 भाव रुको भाव रुको अरे रुको तो भाव अरे रुको तो भाव हाँ अरे रुको तो यार रुको तो यार 2 मिनट रुको यार। दोस्तों यहाँ पे अपने भाई लोग मिल चुके हैं, बताओ भाई लोग कहाँ से आए हो? पास में से आए। अरे यार मुझे लगा नागपुर गए करके यार, बहुत दूर से आए बोलते, पर बताया नहीं, देखना भाव। अबे अपनी गाड़ी चालू है अभी भी, देख सकते हो यार मैंने मतलब इसकी पार्किंग बनी नहीं की थी यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, सॉरी वेलकम बैक नहीं करना है, वेलकम बैक तो कब का हो गया अपना। तो दोस्तों अभी अपन उधर से यहाँ पे आए मंदिर की तरफ, तो बोला मंदिर में अपने को प्रॉपर वीडियो शूट करना है अपने इंस्टा रील्स के लिए, तो बोला अंदर गोप्रो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि गोप्रो लेके गए तो यहाँ पे शूट करूँ यहाँ पे शूट करूँ ये सब चीज़ें नहीं जमती यार, दो दो हैंडल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसलिए अपन गोप्रो अपने के डिक्की में रखेंगे और अंदर जाएंगे और मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे पूरा तरीके से। चलो